हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन 30 डेज ऑफ WAT चैलेंज। सो यू ऑल आर रियली डू ग्रेट एफर्ट्स। सो आज के रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप अपना रिस्पॉन्स लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आप बाकी जो कमेंट्स हैं उनसे गो थ्रू हो लीजिए, सो दैट कि आपको अलग अलग और भी आइडियाज़ आएंगे कि बाकी लोग क्या लिख रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, और उस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा बाहर निकल के आएगा। आप और ज़्यादा सोच पाएंगे अलग अलग डायमेंशन में कि एक पर्टिकुलर वर्ड से और भी किस तरीके के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं हम आगे के कमेंट्स को। ओके, तो फर्स्ट कमेंट हम पढ़ेंगे आर्यन सिंह का। सॉरी तो आर्यन सिंह का कमेंट है, प्रैक्टिस हेल्प्स इन बिकमिंग द बेस्ट, बीइंग अलर्ट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग केयरफुली, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन ओबेज रूल्स, डिसिप्लिन इज द की टू आर एम्बिशन, एंड लास्ट वन इज अ ब्रदर शेयर्स एन इमोशनल बॉन्ड विथ सिबलिंग्स और देयर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंशिका का, ट्राई बेस्ट टू अचीव बेस्ट। कल मैंने आपको, कल की वीडियो में बताया था कि आपको जो ये वर्ड है ट्राई, इसको आपको यूज नहीं करना, आपको अवॉइड करना है। तो बच्चे आप इसको रीफ्रेम करेंगे। सेकेंड इज बींग अलर्ट इज अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोल्जर्स, Obeying orders is a way to show respect to elders. Okay. Strong ambition makes easy to achieve goals. Brotherhood enhances teamwork. Very good. Jai Hind bachche. Hard work gives best outcome. Okay. Ye kaun hai? Prince. Prince PUBG. Wow. Alert mind is important for soldiers. Okay. Obeying elders shows sincerity. Obeying elders shows sincerity. Discipline works helps in achieving life ambition. Okay. Brother supports in bad situation. Good. थोड़े से और हम नीचे ये कॉमेंट्स को भी देखेंगे. Okay. NDA guy. इनका पढ़ते हैं. Oh, sorry. Meditation is the best way for relieving stress. Okay. Being alert for any task is help to conquer it. Good. Obeying elders shows good manners. Very good. Ambition for right thing is good. Okay. Brothers are the family owner after father. Okay. इसको आप थोड़ा सा, एक सजेशन है, इसको आप थोड़ा सा रीफ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओमकार मेहता का. ओके, सो अ काम माइंड परफॉर्म्स बेस्ट इन टफ सिचुएशन. गुड. जनरल अवेयरनेस मेक्स अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस लग रहा है, आप इसको चाहे तो आप इसको रीफ्रेम कर सकते हैं, एक सेंटेंस और बनाइएगा. ओबेइंग ऑर्डर्स इज अ फॉर्म ऑफ गिविंग रेस्पेक्ट. वेरी गुड. कंसिस्टेंसी इज द ब्रिज टू रीच योर एम्बिशन. वेरी गुड. सोल्जर्स हैव अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग देमसेल्फ. गुड, वेरी गुड बच्चा. आप अपने ये जो आपका सेकेंड वाला है, जनरल अवेयरनेस मेक्स अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको रीफ्रेम करना है. सी, आप लोग ये चीज़ जरूर कीजिए कि जब भी आप अपना कमेंट लिखने आते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बाकी लोगों ने जो कमेंट्स किया है उसको एक बार पढ़िए, एक बार रीड आउट जरूर कीजिए. उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको दूसरों के आइडियाज़, दूसरे क्या सोचते हैं वो आप समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे, और फिर उस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बढ़ेगा कि आप इसी पर्टिकुलर वर्ड से और क्या क्या सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, है ना. क्योंकि हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपका जो दिमाग है वो स्ट्रक हो जाए कि अब और आइडियाज़ तो नहीं आ रहे हैं, और सेंटेंसेस क्या बनाएं. तो आप बाकी लोग की जब जो उन्होंने सेंटेंस बनाया है, जो उन्होंने लिखा, वो आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, सो दैट आप एक कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं. आप जो कहना चाहते हैं, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके मन में है, जो आप बताना चाहते हैं थ्रू योर विद द हेल्प ऑफ योर सेंटेंस, वो आप चाहें तो, हो सकता है कि जो दूसरों ने लिखा हो उसमें आपको नजर आए, तो आप पढ़िए, दूसरों के सेंटेंस को पढ़ना शुरू कीजिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मोनू प्रजापति का. हाँ, इन्होंने लिखा है, यू गिव योर बेस्ट एंड अचीव योर बेस्ट. कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पर्सनल सेंटेंसेस हैं, जो पर्सनल नाउन है, उनको आपको यूज़ नहीं करना है वाइल मेकिंग योर WAT सेंटेंस. तो जब आप अपने WAT का सेंटेंस बनाएंगे तो जो पर्सनल नाउन है
जैसे कि राम, श्याम, सीता, पिंकी, व्हाटएवर, कोई भी नाम, वो आप नहीं लिखेंगे. ही, सी, हिज, आई, मी, ये सारे जो वर्ड्स हैं, पर्सनल सेंटेंस हैं, पर्सनल नाउन हैं, इनको आपको नहीं लिखना है, आपको अवॉइड करना है. तो आप इस सेंटेंस को दोबारा से फ्रेम करेंगे. सेकेंड इज काम पर्सन आर ऑलवेज अलर्ट. ओके. आर्मी सोल्जर्स ऑलवेज ओबे देयर सीनियर्स. गुड. एम्बिशन ऑलवेज गिव समथिंग. इसको आप चाहें तो एक मीनिंगफुल, एक कोई मतलब निकल के आना चाहिए. तो आप इसमें अगर थोड़ा सा कुछ और, अगर कोई एडजेक्टिव और यूज़ करें तो क्या आपका सेंटेंस और अच्छा बन सकता है? यस. तो आप क्या करेंगे, आप बाकी हुई कॉमेंट्स को देखिए, बाकी लोगों ने इस पर्टिकुलर वर्ड से क्या क्या सेंटेंस बनाया है, और फिर आप उसमें से एक लेके आप दोबारा से उसमें कुछ चेंज करके उसको रीफ्रेम करके अपना ये सेंटेंस दोबारा बनाएंगे. तो ब्रदर इज पार्ट ऑफ योर सक्सेस. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजर G3TV. ओके. चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ. ओके. सोल्जर्स आर अलर्ट वाइल ऑन ड्यूटी. गुड. चिल्ड्रेन ओबेज देयर पेरेंट्स. एवरी वन हैज एम्बिशन टू डू गुड इन लाइफ. पीपल इन इंडिया लिव विद ब्रदरहुड. ओके. गुड. एक और पढ़ते हैं विपिन का. विपिन ने क्या लिखा है, अ मदर इज द बेस्ट टीचर. गुड. ड्रिल्स मेक पर्सन अलर्ट फॉर एनी सिचुएशन. थर्ड इज ओबेइंग द पेरेंट्स गिव ब्लेसिंग्स. एम्बिशियस वर्क टर्न इनटू अचीवमेंट्स. वेरी गुड. एल्डर ब्रदर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल. और यू कैन राइट एल्डर ब्रदर्स टेक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल. ठीक है. थोड़ा सा हम नीचे कॉमेंट्स को भी देखेंगे. AK फैट्स, आप लोग नाम बड़े अलग अलग बड़े अजीब से रखते हो. चलो, इन्होंने क्या लिखा है, अ गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अस. वी शुड बी वेरी अलर्ट व्हेन वी आर इन द बैटल ऑफ फील्ड. वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. विदाउट एम्बिशन वी आर लाइक अ डैड. एल्डर ब्रदर केयर हिज यंगर ब्रदर लाइक अ फादर. ओके. अब इनके अगर हम पांचों सेंटेंसेस को देखें तो पहला सेंटेंस लिखा है इन्होंने, अ गुड बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अस. ये क्या हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फैक्ट है ये, है ना. आप कुछ फैक्ट बता रहे हो, ये चीज हमें पता है. और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि हमें फैक्चुअल सेंटेंसेस नहीं चाहिए, रीची सेंटेंसेस नहीं चाहिए, फैक्चुअल नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस नहीं चाहिए, कोई इडियम फ्रेजेस नहीं चाहिए, है ना. हमें आपके बारे में जानना है, आपका जो माइंडसेट है, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, आप मतलब आप एक वर्ड है तो आपका क्या निकल के आ रहा है, हमें आपके बारे में जानना है. हमें कोई फैक्ट्स नहीं जानना, SSS को सारी चीज़ें पता है. तो आपको सेंटेंस ऐसा लिखना है जिससे आप अपने आइडियाज़ को कन्वे कीजिए. हमें आपके आइडियाज़ को जानना है, तो आप अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे. तो आप इसको चेंज करेंगे. दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि पर्सनल सेंटेंसेस को हमें अवॉइड करना है. प्लस मैंने कल ये भी कहा था आपसे कि आपको जो वर्ड है शुड, कुड, ट्राई, मस्ट, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, इनको आप अपने सेंटेंस जब बनाएंगे, जब फ्रेमिंग करेंगे, जब आप लिखेंगे, सोचेंगे, तो आप इन वर्ड्स को अवॉइड करेंगे. ये आपके सेंटेंस में नहीं होना चाहिए. तो आपके देखिए, इन दोनों ही सेकंड में भी सेम चीज़ है, वी शुड बी वेरी अलर्ट, एंड थर्ड इज वी शुड ओबे आवर एल्डर्स. तो ये आपको चेंज करना है, ये चीज़ें हमारे सेंटेंस मेकिंग में नहीं होनी चाहिए. ओके. अब कुछ कॉमेंट्स हम पढ़ेंगे. लर्न विद सुमित भाई बच्चों ने किया है, तो हम पढ़ते हैं. मोनू के कमेंट है, बेस्ट फ्रेंड शेयर ट्रस्ट एंड फेथ बिटवीन देम. ओके. अलर्टनेस प्रिवेंट सिली मिस्टेक्स. गुड. ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स रिड्यूस एक्सीडेंट. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन कन्वर्ट एम्बिशन इनटू रियलिटी. वेरी गुड. ब्रदर इपिटोम ऑफ लव एंड सपोर्ट. ओके. ब्रदर्स आर, you can write, brothers are epitome of love and support. Very good. Very good, Monu. Okay, हम पढ़ते हैं धानिश सिन्हा. Okay, इन्होंने क्या लिखा है, proper planning gives best result. Good. Being alert in life reduces probability of mistakes. Good.
Obeying time table is ladder of discipline. Yes. For success, ambition and hard work requires. For success, ambition and hard work requires. Very good. Indian society is symbol of brotherhood among diversity. Very good. Very good, bacha. Naitik Yadav. Always try to give your best. मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि आपको जो वर्ड है try, इसको आपको अपने जो सेंटेंस मेकिंग है, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें आप try वर्ड का यूज़, try शब्द का यूज़ नहीं करेंगे. तो be careful कि जो मैंने आपको बताया है कि ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है. जब भी आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं तो इन वर्ड्स को आपको केयरफुल रहना है कि आपके सेंटेंस में ना आए. होता क्या है कि ये जो ट्राई, शुड, कुड, मस्ट, ये चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हमारी बोलचाल की भाषा में हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं. दैट इज़ वाई जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो मे बी अननोविंगली वो चीज़ें आपके सेंटेंस में आ जा रही हैं. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है वाइल राइटिंग योर WAT सेंटेंस, कि आप जो वर्ड्स मैंने आपको बोला है कि अवॉइड करना है, आपको यूज़ नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है इन योर सेंटेंसेज, WAT सेंटेंसेज, आपको उनको अवॉइड करना है. तो इसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो थर्ड इज ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स ऑर्डर. गुड. अब बच्चे हर एक सेंटेंस में ऑलवेज ऑलवेज बहुत मोनोटोनस हो रहा है, तो थोड़ी सी वैरायटी चाहिए. वैरायटी लेके आएंगे आप जब आप सेंटेंस बना रहे हैं. तो हर सेंटेंस में अगर आपने 5 सेंटेंस बनाया है और पांचों में ही ऑलवेज ऑलवेज का यूज़ किया है तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा, बहुत मोनोटोनस सा हो रहा है. तो आप वैरायटी लेके आइए. जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए उसमें, है ना. इसके लिए अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो बाकी लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं आप उसको पढ़िए. आप जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे. एक हम लास्ट कमेंट और पढ़ेंगे. अर्जुन जाट, इन्होंने भी सेम गलती, सेम मिस्टेक किया है. ही डन हिज वर्क इन हिज बेस्ट वे. ये क्या हो गया? ये पर्सनल सेंटेंस. ऐसे पर्सनल सेंटेंसेस नहीं चाहिए आपको, ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने. सेकेंड, यू आर नॉट अलर्ट इन आवर ड्यूटीज. ये भी क्या है? ये भी पर्सनल सेंटेंस है. जूनियर्स आर ओबे विद देयर सीनियर्स. ओके. His ambitions are good from that ambitions. पहली चीज़ तो आपने यहाँ his का यूज़ किया है, और दूसरी चीज़ कोई मतलब नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का. जो भी सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे, जो भी आप लिख रहे हैं, तो एटलीस्ट जो मीनिंग आप कन्वे करना चाह रहे हैं साइक को, वो तो समझ में आना चाहिए. थोड़ा बहुत ग्रामर का मिस्टेक है, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर मीनिंग ही कुछ और निकल के आ रही है, मीनिंगलेस सेंटेंस है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है. तो एटलीस्ट आप जो लिखेंगे उसका कोई ना कोई अर्थ निकल के आना चाहिए. तो आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है कि जो आइडिया, जो थॉट आप साइक को कन्वे करना चाहते हैं वो साइक तक पहुंच जाए. तो अब हम यही ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को. मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.